वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज जो वीडियो ये कर रहे हैं ना, कमाल का है। टाइटल पढ़ के बताती हूँ। टाइटल है सेवन फिजिकल फीट्स बाय विद्युत जामवाल, कलारीपयट्टू, फिटनेस मार्शल आर्ट्स। तो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। पर वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप इस चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को, बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस जैसे हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड यस फ्रेंड्स, वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो आए पसंद, तो कर देना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स, शुरू करें आज का ये वीडियो। अंडा नहीं टूटेगा, ब्रिक टूट रही है। साइड से भी दो। ओह माय गॉड, तीन। दिस इज टू। ओह माय गॉड, वाह, कमाल है यार। माइंड ब्लोइंग, मतलब इमेजिन भी नहीं कर सकते वो चीजें की हैं। एक नहीं, जितनी भी दिखाई वो उस टाइप की थी, अनबिलीवेबल। अगर देखा ना होता ना और किसी ने बोला होता कि ऐसे ऐसे करते हैं, तो मैं तो यही सोच रही, वो ऐसी बोल रहा है, बुद्धू बना रहा है। पर देख के अब तो कुछ बोल भी नहीं सकते, क्योंकि भैया आपके पास प्रूफ सामने, आपकी आंखों के सामने है। और मेरा जो फेवरेट था ना, सारे बहुत कमाल के थे, पर जो मेरे फेवरेट था वो था जो वो पानी के ऊपर चल के दोनों के ऐसे लगा, जैसे पानी को टच किया, उससे पुश ली और फिर नेक्स्ट आगे जंप मारा और फिर उसके बाद वहां, जैसे दिखाते हैं ना कि कई पानी पे चलते हैं, तो कुछ कुछ उस टाइप से लग रहा था। तो हस्बैंड तो तब बोले थे हाँ 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 हाँ, मैं कह रही हूँ वो इम्पॉसिबल है, ऐसे कैसे कोई कर सकता है, क्योंकि वो बहुत दूर है। आपने उसको स्लाइड करके अपने आप को थोड़ा सा पुश दे के आपने फिर नेक्स्ट स्टेप लिया, उसको पुश किया, नेक्स्ट स्टेप लिया, वो पुश टाइप ही है। आप कैसे जंप कर सकते हो? नहीं, तो इसलिए उन्होंने जंपने की एक लॉन्ग जंप है। आप पॉइंट ए से पॉइंट बी लॉन्ग जंप जा रहे हैं, और जब लॉन्ग जंप कर रहे हैं तो आप इधर एक पैर से यूं टच करें, एक पैर से यूं टच करें और जा रहे हैं। तो आप लॉन्ग जंप कर रहे हैं, जंप एक ही है, जंप सिर्फ एक ही है। आप बीच में
पैर टच करते हुए, पता नहीं मुझे तो ऐसा मगर करना डिफिकल्ट है, मगर जंप एक ही है, देयर इज ओनली वन जंप, एक लॉन्ग जंप है, उसमें आपने ऐसे पैर मार के आप चले गए। तो मगर सबसे डिफिकल्ट वो मुझे लगा था जिसमें आपने जो है कैप्स खोले हैं, तीन बोतलें पड़ी हैं, आपने पैर से मारा उनके कैप, जो ऊपर से कैप होते हैं बोतल के वो खोले, बॉटल को कुछ नहीं हुआ, वो बहुत बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है वो। अरे वो तो डिफिकल्ट है जो बॉटल्स पे खड़े होके पूरा पुशअप करना, बॉटल पे, बॉटल के ऊपर भी वो आप कर सकते हैं क्योंकि आपको बहुत वो भी प्रैक्टिस से हो सकता है, मगर ये जो आप अंडा अंडे वाला उसमें स्ट्रेंथ चाहिए, उसमें आपको आप जब ऐसे पकड़ा है इतना डेलिकेट अंडा जो टूट सकता है और आपको दम भी लगाना है, तो जनरली आप जब दम लगाना चाहते हो तो आप अपनी जो मुट्ठी होती है फिस्ट उसको टाइट करते हो फिर मारते हो, तो उन्होंने मतलब फिस्ट में अंडे को प्रोटेक्टेड रखा, उसको कुछ नहीं हुआ और तो पूरा दम मारा जिससे ईंटे टूटी, क्योंकि आपका फोर्स जो है यहाँ पे है, तो वो प्रैक्टिस, ये सारी चीजें जो है प्रैक्टिस से आ रही है, तो बहुत प्रैक्टिस की इन्होंने और डेफिनेटली जो है मार्शल आर्ट्स एक्सपर्ट हैं ये, जिसे तो इन्होंने मार्शल आर्ट्स से किया कि इसके ये जो बोल रहे उससे अब इन्होंने बोला तो है कलियारी पट्टू, अगर ये तो अमेजिंग है यार, अगर इन्होंने कलियारी पट्टू से यही सीखना चाहिए तो इनको जो है डेफिनेटली पार्ट होना चाहिए कलियारी पट्टू का और लोगों को सिखाना चाहिए ये जो केरला से जो आर्ट फॉर्म है, तो फिर कौन करेगा कराटे पराटे सब कलारी पट्टू ही करेंगे, तो ये इनको पॉपुलराइज करना चाहिए क्योंकि अभी इन्होंने सिर्फ दिखाई है मार्शल आर्ट्स को, बोलना चाहिए देखिए इसके पीछे कलारी पट्टू है और मैं ये सब करता हूँ प्रैक्टिस, और मेरा ये स्कूल है जहाँ मैं ट्रेन भी करता हूँ बच्चों को, या मेरे असिस्टेंट्स हैं जो ट्रेन करते हैं, तो उससे बहुत फर्क पड़ जाएगा, कलियारू पट्टू इमीजिएटली ऊपर आ जाएगा और जितने भी कराटे वराटे वाले हैं वो तो कुछ भी नहीं है, मैंने तो मतलब हमने देखा है उसमें तो ऐसी कोई भी इतनी फैंटास्टिक चीज हमने कभी देखी ही नहीं है, मैं तो पहली बार ये देख रही हूँ, होता है कराटे मैंने तो आप बोर्ड्स को चौंक, वो तो कुछ नहीं है, वो तो इसके मुकाबले में आप जो है ब्रिक्स को भी तोड़ सकते हैं कराटे, मगर बिल्कुल नहीं है, और वहां के जो एक्सपर्ट्स भी होते हैं आपको इतने एटलीस्ट यूएसए में तो यूएसए में आपको इतने एक्सपर्ट्स नहीं नजर आएंगे जो ये कर रहे हैं, आपको ना खुद कर सकते हैं ना उन्होंने कभी करके दिखाया होगा ना वो सिखाते हैं इस टाइप से इस लेवल का, आप उनकी प्रमोशन मटेरियल देख लीजिए, आप उनके वीडियोस देख लीजिए मार्केटिंग के, उसमें ये नहीं दिखा सकते, मगर अगर ये डालते हैं अपने मार्केटिंग मटेरियल में तो सब बोलेंगे कि ये बेस्ट है, मैं तो ये करूंगा, पेरेंट्स भी कहेंगे हमारा बच्चा ये सीखे, ये तो कमाल की आर्ट है, मैं तो बिलीव ही नहीं कर पा रही, अब मैं थोड़ी देर बाद ना ढूंढ पूछती रहूंगी यार ये सच्ची वाक्य में ट्रू था, ऋषि को दिखाऊंगी कि ऋषि ये देख, वो भी बिलीव नहीं करेगा, वो बोलेगा जरूर कैमरा ट्रिक है, ऐसी बात नहीं है, मगर मतलब इसमें बहुत ही उनकी बहुत प्रैक्टिस की, बहुत मेहनत की है, एंड मैं तो मतलब अमेज हो गई हूँ कि इतने वेल्ड, और आप लोग बोलते भी थे कि ये जो है बहुत मार्शल आर्ट में जो एक्सपर्ट है, प्रूफ तो यहाँ मिल ही गया, और व्हाट अ ग्रेट एक्टर टू, ही शुड बी अ हिट इन बॉलीवुड, मैं तो ये कहूंगी बॉलीवुड में हिट होना चाहिए, अब इससे प्रूफ पता चल रही है कि रियल टैलेंट्स जो है उनको मौका नहीं मिल रहा, बिल्कुल, और इन्होंने भी जो है कंगना रनौत के फेवर में बोला था, क्योंकि इन्होंने क्योंकि ये मेरे ख्याल से ये भी उसी रीजन से है, मेरे ख्याल से ये भी हिमाचल से हैं, और कंगना रनौत भी हिमाचल से हैं, और इन्होंने भी लाइफ में बहुत स्ट्रगल की है, तो कई लोगों ने इनका नाम भी आया था कि देखिए इन्होंने कितनी स्ट्रगल की है, इनके कोई जान पहचान का नहीं है, ये बेस्ट है मार्शल आर्ट में, मगर फिर भी इनको इतनी मूवीज नहीं मिली है, और हमने इनकी मूवीज देखी थी, मेरे ख्याल से पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री ऐसे थी वो मूवीज देखी थी, तो मैं भी अच्छा था वो, जैसे वो उसमें किसके अंदर कार के अंदर घुसे थे शीशे से, और वो हमने कहा था ये जो है ये पता नहीं कुछ इफेक्ट्स से क्यों था, पता चला कि एक्चुअल किया, बिकॉज़ ही सो गुड एट इट, तो वो जो जितने भी उन्होंने स्टंट्स किए थे उनमें हमें सिमिलैरिटी नजर आ रही थी जैकी चैन से, तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि जो क्योंकि आप उसमें देखें तो काफी सारे वो उसमें स्टंट्स थे जो जैकी चैन ने भी किए, कार के अंदर जाना आपने मतलब विंडो से कार के अंदर चले जाना बाहर निकलना, तो काफी स्टंट्स जैकी चैन ने भी किए हैं, और जैकी चैन खुद करते हैं वो स्टंट्स, इसीलिए उनको भी बड़ी चोटें लगती रहती हैं, उनके साथ भी बड़े एक्सीडेंट्स होते रहते हैं, अब उन्होंने थोड़े ओल्ड हो गए जैकी चैन, इसलिए अब उन्होंने बंद कर दिए सब करने, मगर अपने जब टाइम पे उन्होंने भी खुद ही किए थे सारे, और कई उनको चोटें भी लगी थी, तो सिमिलरली ये भी इनको भी चोटें लगती रहती हैं, और एक अपने स्टंट्स खुद करते हैं, मगर ये शेयर जो है टैलेंट है, और डेफिनेटली जो है अगर आप इनकी मूवी देखते हैं स्टंट करते हो आपको लगता है चले असली हीरो है ये, मतलब रियल लाइफ में भी स्ट्रांग है
और यहाँ पर भी स्ट्रांग है। ऐसा नहीं है कि भैया आप एक्टिंग करे जा रहे हैं, जैसे हमने एक देखी थी, मैं एक्टर का नाम नहीं बोलूंगा, एक्टर ने पूरे रस्सियां लगा रखी हैं, टेपे लगा रखे हैं, नीचे गद्दे बिछा रखे हैं, वो एक बंदा जंप करता है तो दूसरा बंदा उसे पकड़ के यहाँ हेल्प करता है, फिर वो कट करते हैं रीलें, उससे साफ दिखता है कि यार दम तो बंदे में है नहीं, सारे इतने सारे स्टंट वाले रखे हुए हैं, वो तुम्हें उछाल रहे हैं, वो तुम्हें रस्सियां बांध के रखी हुई है, ये रखा है वो रखा है, तो ठीक है तुम अपनी स्टंट कर रहे हो, बट क्या स्टंट कर रहे हो, तुम्हें पावर तो है नहीं। इनके साथ ये है कि ये ऑरिजिनल चीज करेंगे तो आपको कोई हेल्प नहीं चाहिए, लोग बोलेंगे अरे वाह, और इन रियलिटी में भी इतने स्ट्रांग है और मूवीज में भी स्ट्रांग है, तो लोगों को एटलीस्ट को रिलेट होता है और लगता है कि चलिए मैं एक्चुअल स्ट्रांग बंदे को देख रहा हूं और इट मेक सेंस। और जब ये फिर स्टंट करेंगे तो उसमें बकवास वाले काम नहीं करेंगे, जैसे सलमान खान वगैरह का धक्का मारा वो 25 किलोमीटर जाके गिर गया, उसको यूं यूं करा तो उधर गिर रहा है, तो या फिर आवाजें पुराने जमाने डुशुम डुशुम करते थे फालतू, तो इनमें ये होगा स्टंट जो कि रियलिस्टिक होंगे, क्योंकि ये खुद कहेंगे देखिए ये पॉसिबल नहीं तो मैं क्यों करूं, मैं वही चीज करूंगा जो रियली तुम कर सकते हो, उससे क्या होगा आपको रियलिटी वाली चीजें नजर, जैसे आप अमेरिकन मूवीज में देखते हैं तो वहां पर भी आपको मोस्टली रियलिटी नजर आती है, ऐसे फालतू नहीं होता कि मुक्का मारा वहां जाके गिर गया, अनलेस उन्होंने पहले बोल दिया कि भाई सुपरमैन है, अनलेस पहले बोल दिया। तो मेरे ख्याल से काफी बहुत ही अच्छी वीडियो था और डेफिनेटली इनको ज्यादा जो है मूवीज में मेरे ख्याल से तो ही शुड बी जितना पॉपुलर और जितना सक्सेस जैकी चैन को मिला ना उतना इनको मिलना चाहिए, ही डिजर्व। कल्याणपट्टू में इनको स्टोरी बनानी चाहिए कि इंस्टेड ऑफ मार्शल आर्ट्स की कल्याणपट्टू की स्टोरीज दिखाओ, नहीं पर प्रमोट तो वो कर ही रहे दिखा के, ऐसी वीडियोस बना के वो लोगों में अवेयरनेस तो ला रहे हैं, पर डेफिनेटली मैं तो वो दिन का वेट कर रही हूँ कि ये इतनी पॉपुलर और सक्सेस ले जितनी जैकी चैन को मिली हुई है, पूरे वर्ल्ड फेमस हुए हुए हैं, ही डिजर्व्स इट। तो फ्रेंड्स मजा आ गया, अनबिलीवेबल था, मैं तो बोलते हुए नहीं थकूंगी। तो आई होप आपने भी इंजॉय किया होगा, आपका भी मुंह ऐसे खुलेगा खुला रह गया होगा देखते हुए। तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।